सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम रजनी है और ये कुंडली आई है पटना बिहार से। एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आप लोगों को, जो ये कार्यक्रम सुबह वाला है 10 बजे से 11 बजे वाला, मतलब कुंडली विशेषण वाला, ये अब कार्यक्रम आप लोगों को यहाँ ना मिल करके मिलेगा नकुल पाराशर शॉर्ट्स वाले चैनल पे, मतलब मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे, क्योंकि उस पे मैं अलग से कार्यक्रम नहीं बना पा रहा था। तो अब वहाँ पे आप लोगों को, अगर जो मेरे नियमित दर्शक हैं जो कुंडली विश्लेषण मेरा देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को नकुल पाराशर शॉर्ट्स वाले चैनल पे अवश्य ही देख लेना चाहिए। वहाँ पे और भी शॉर्ट्स बनाए गए हैं और बाकी के अन्य भी अलग तरीके के कार्यक्रम भी धर्मशास्त्र से संबंधित बताऊंगा, पर फिलहाल अभी यहीं से शुरू करते हैं। और ये जो शाम वाला कार्यक्रम है, जो शाम को 8 बजे आता है, वो यथावत मिलता रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव मैंने नहीं किया है। अब इनकी कुंडली पे लेके आता हूँ। इनका जन्म हुआ आषाढ़ और ज्येष्ठ का प्रभाव, इस वजह से व्यक्ति धन बचा अच्छा लेता है और लक्ष्मी संपन्न होता है। जन्म इनका हुआ है वर्षा ऋतु में, इस वजह से व्यक्ति के दिमाग में विचार बहुत सारे बनते हैं। और अमावस्या, कृष्ण पक्ष की अमावस्या के चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होते हैं, जो बहुत ही कमजोर चंद्रमा के रूप में जाने जाते हैं। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परतंत्रता का भाव देखने को मिलता है या आर्थिक विषमता का दौर जीवन में मिलता है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में एक जैसा धन उसके पास नहीं आता है। और कृष्ण पक्ष के जो अमावस्या के चंद्रमा होते हैं वो बहुत ही कमजोर होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का मन मस्तिष्क, उसका इमोशन, उसका स्वास्थ्य और उसका धन, ये सब चीज और उसके संबंध जो लोगों से होते हैं, कई बार वो अपना बहुत सारा कुछ दे दे पर उसको वापस मिले नहीं, ये सब चीज, और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है, मनोव्यथा कमजोर होती है, दिमाग में बहुत सारे विचार बनते रहते हैं, ये क्षण चंद्रमा का निगेटिव प्रभाव होता है। और व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक होता है और बहुत जल्दी ही किसी से जुड़ जाता है, मतलब वो प्रैक्टिकल अब थोड़ा कम सा होता है। मंगलवार को जन्मी है, इस वजह से थोड़ी क्रूरता रहती है, वाणी में तो नहीं पर जब वो किसी से दुश्मनी कर ले तो तुरंत ही उसके बारे में कोई नई राय बना लेता है, मतलब वो तुरंत ही बदल जाने वाला होता है, रणनीति बनाने वाला भी होता है, व्यवसायिक नेचर का होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म है, इसका प्रभाव बता दूं, अगर आपका भी जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, अपनी वाणी पे संयम रखने की बारी है, अपने धन को बचा करके रखने की बारी है, नहीं तो धन चोरी हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का यह प्रभाव है, इनका धन भी चोरी हुआ है, गहनों की चोरी हो जाए, धन जो बचा करके आपने रखा है, आर्द्रा नक्षत्र वालों को अपने धन की सुरक्षा बहुत ही गंभीरता से करनी चाहिए। व्यक्ति कृतघ्न ना हो, जो आपके लिए किसी ने अगर कुछ किया है तो आप उसके साथ कृतज्ञता का भाव रखें, कभी भी उसके साथ कृतघ्नता का भाव ना रखें, मतलब उसका याद रखना कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये अवश्य ही रखना चाहिए। व्यक्ति व्यापारिक विचारधारा का होता है, आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे लोग व्यापारिक विचारधारा के होते हैं, अब वो प्रत्येक चीज में व्यापार ढूंढते हैं और कई बार उन्हें आर्द्रा नक्षत्र का एक और भी निगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि व्यक्ति कई बार सत्य स्वीकार नहीं कर पाता, ये राहु का नक्षत्र होता है, व्यक्ति मायावी होता है, सही चीज उसे कई बार बुरी लगती है और गलत चीज कई बार अच्छी लगती है। आर्द्रा नक्षत्र के प्रभाव में एक और भी निगेटिव बात ये होती है, मैं इसका असली और अच्छा पक्ष भी बताऊंगा सकारात्मक, पर निगेटिव ये होता है कि व्यक्ति आसानी से किसी भी रंग में कई बार ढल नहीं पाता, ये एक है, मतलब वो तुरंत ही बदलाव पसंद नहीं करता है, ये कुछ निगेटिव बातें हैं। आर्द्रा नक्षत्र की सबसे अच्छी बात है कि वो शास्त्र का ज्ञाता होता है, शास्त्र को समझ में रखने वाला होता है और चिरंतन होता है, उसकी आयु बड़ी अच्छी होती है, उसका स्वास्थ्य भले चंद्रमा के कमजोर होने के कारण भले इस कुंडली के लिए कमजोर हो रहा है, पर आर्द्रा नक्षत्र वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, उनकी आयु बहुत अच्छी रहे, स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहे और इसके साथ साथ वो भोगी होते हैं, मतलब उनके पास सुख की कमी नहीं होती, सुख की कमी नहीं होती। विवाह के बाद व्यक्ति के जीवन में बड़ा अच्छा खासा सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। अगर आपका भी जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है तो आप अपने आप को और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना करके अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। इनके नाम पे चाहे जितनी हो सके संपत्ति इकट्ठा की जा सकती है, ये आर्द्रा नक्षत्र वालों का बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। इसके साथ साथ आर्द्रा नक्षत्र में एक बड़ी अद्भुत बात होती है कि वो धीरे धीरे ही सही पर अपने जीवन के समस्त
वांछित कृत्यों को कर देते हैं, कम पुत्र वाले होते हैं, इनकी संतति बहुत ज्यादा नहीं होती, ये कम संतति पैदा करने में विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा संतति और बहुत संख्या इन्हें पसंद नहीं है, ये क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, इन्हें जो है वो बहुत ज्यादा वाली चीजें पसंद नहीं है, बहुत कम हो लेकिन अच्छी हो, एक ही व्यक्ति मित्र बने पर वो बहुत अच्छा बने, और कृतज्ञता इनके साथ इनके संबंधों में इनके पति का होता है, ये अपने पति पे जान छिड़कने वाले होते हैं, अपने पति के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, पर इनका व्यवहार कई बार राजनीति से युक्त होता है दूसरों के लिए, वो तब तक दूसरों की सहायता करने के लिए, हालांकि कई बार ऐसा इस कुंडली के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, पर अर्रा नक्षत्र की बात कहूं तो वो तब तक अपना एक सिक्का भी नहीं देना चाहते जब तक उन्हें उधर से 10 पैसे आने की उम्मीद ना हो, इसी वजह से मैंने आरंभ में इसे व्यापारिक दृष्टिकोण वाला नक्षत्र कहा था। क्लियर है? चतुष्पाद योग में जन्मे हैं और इनका जो प्रभाव है उसके आधार पर एक बात और कह दूं तो शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के हैं, इस कारण से कई बार व्यक्ति में जो स्थितियां देखने को मिलती हैं उसके आधार पर वो राजसिक होता है, उसकी इच्छाएं पारलौकिक सुखों से भी होती हैं पर इलौकिक सुखों के प्रति भी उसका ध्यान जाता है, किसी भी काम में आर्द्रा नक्षत्र वाले रुचि बहुत बढ़िया लेते हैं, ये एक और भी बात थी, कोई भी काम इनको दिया जाए तो ये बहुत अच्छी तरीके से उसे करना चाहते हैं और करबद्ध निवेदन करते हैं, किसी भी काम को सफलता पूर्वक करने के लिए अगर उनका कोई काम किसी के पास अटका हुआ है तो निश्चित रूप से उसके प्रति वो हमेशा लालायित रहते हैं और उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। जैसे आपने गोदान पढ़ी होगी, उसमें होरी जो है वो जो गांव के सरपंच है ना, वो जिनके पास वो जाता है सुबह सुबह उठ करके, उनकी पत्नी होरी की पत्नी जो थी वो क्या कहती है कि अगर हमने किसी का लगान देना ही है तो देना ही है और वो लेगा ही तो हम उसकी चापलूसी क्यों करें, पर होरी को इस बात में बड़ी अच्छाई दिखती थी कि नहीं, अगर अपना गर्दन नीचे है पांव तले किसी के तो उसके पांव को सहला लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग अगर किसी का काम अगर किसी के पास अटका रहेगा तो उसको सहला लेते हैं और अपना काम निकालने का इंतजार करते रहते हैं, ऐसा है। अब आगे आपको और भी बता देता हूं, इनकी जो स्थिति होती है, ये जो प्रभाव है इनका वो है वृषभ का, वृषभ राशि के लग्नेश होते हैं शुक्र, वो जन्म कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं बुध के साथ, इसका प्रभाव बताऊं, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश धन भाव के साथ तृतीय भाव में बैठे हैं, लग्नेश धन भाव के साथ तृतीय भाव में, यहां पे शुक्र और बुध का एक साथ बैठना कई बार व्यक्ति के रिकॉग्निशन को कमजोर कर सकता है और इस कारण से कई बार व्यक्ति गतिविधियों में लिप्त नहीं होता और कई बार वो आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बेचैन रहता है, मतलब उसके पास है बहुत सारी चीजें खर्च करने के लिए हैं पर धन की उपलब्धता कमजोर सी होती है या कई बार थोड़ा कम 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 सा आता है। लग्नेश का तीसरे भाव में बैठना धन भाव के अधिपति के साथ जातक के जीवन में मेहनत करवा करके तब धन की स्थिति को बनाता है कि मुझे मेहनत करके धन इकट्ठा करना है या मेहनत करने के बाद ही उसके जीवन में धन जुड़ता है। द्वितीय भाव में गुरु के साथ सूर्य का बैठना चरित्रवान और अच्छे स्वभाव वाला ये जातक को बनाएगा या जातिका को, और जन्म कुंडली के अगर जातिका की कुंडली बनी हो और वृषभ लग्न की कुंडली बन जाए, मतलब सम संख्या की अगर कुंडली बने, महिलाओं की कुंडली जातिकाओं की कुंडली अगर सम संख्या की बन जाए उसे बहुत अच्छा कहा जाता है, जैसे वृषभ बन जाए, कर्क बन जाए, कन्या बन जाए, वृश्चिक बन जाए, तो ये जातिकाओं की कुंडली अगर विषम संख्या की बन जाए तो कमजोर होती है, लेकिन अगर जातिकाओं की कुंडली सम संख्या की बन जाए तो उनमें ममत्व का भाव आता है क्योंकि वो स्त्रियोचित राशियां होती हैं, और अगर किसी जातिका की कुंडली पुरुषोचित बन जाए, मतलब पुरुष तत्व की कुंडली बन जाए लग्न में, तो वो पुरुषोचित गुणों वाली होती है, उसमें ममत्व का भाव फिर कम होता है और वो पुरुष के सदृश स्वभावों को रखने वाली हो जाती है। ये सिंपल सी बात है जो राशि का प्रभाव है। तो यहां पे अगर किसी जातिका की कुंडली है और वृषभ लग्न की कुंडली लग्नेश शुभ ग्रह की राशि में, पर चंद्रमा यहां पापक ग्रह बने हैं, इस वजह से चंद्रमा धन भाव में पापक ग्रह बन के बैठेंगे, मिथुन राशि में बैठे हैं, मिथुन राशि इस कुंडली के लिए लग्नेश बने शुक्र,
और राशिष बने बुध, तो लग्न और राशि के अधिपति का एक साथ पराक्रम में जाना व्यक्ति को पराक्रम करने पे विवश करेगा। विपरीत परिस्थितियां जीवन में बनती रहती हैं, धन मेहनत करके कमाना पड़ता है। क्लियर है? तृतीय भाव में शुक्र बुध का बैठना ये भाग्यशाली बनाएगा और धार्मिक भी बनाएगा, क्योंकि धर्म भाव के अधिपति शनि जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे हैं, मंगल के साथ जो 12वें भाव के साथ साथ सप्तम के अधिपति। विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय बहुत अच्छा होता है, पति भी अच्छे नेचर का मिलता है, पर वो टीन की तरफ होता है, तुरंत क्रोध करने वाला और तुरंत ही शांत बुद्धि वाला। और इसके बाद पति और पत्नी के बीच का सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, उसमें कभी भी कोई खटपट नहीं होती है। चतुर्थ भाव में शनि और मंगल का बैठना व्यक्ति के जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाएगा। चतुर्थ स्थान में शनि और मंगल का एक साथ बैठ करके लग्न पे शनि की दृष्टि व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ धार्मिक भी बनाएगी। इनके विचार धार्मिक और प्रबुद्ध होंगे और साथ ही साथ व्यक्ति स्वयं भी भाग्यशाली होगा, क्योंकि लग्नेश नवम भाव को देख रहे हैं, विचार जो है वो उसके धार्मिक ही रहेंगे। अब आपको मैं इनकी कुंडली में युति के बारे में बताता हूं। जैसे गुरु शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, गुरु कौन है? वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अष्टम और एकादशवें भाव के अधिपति। अष्टम भाव क्या है? यह है मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत आने वाला भाव। चौथा, आठवां और बारहवां भाव मोक्ष त्रिकोण के अंतर्गत आता है। मतलब एक ऐसे भाव में जहां जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ लाभेश गुरु भी बैठे हों, पर किसके साथ? जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति के साथ, यानी कि आप चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ सुखेश। इस कुंडली में सुख भाव के अधिपति सूर्य, अष्टम भाव के अधिपति गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, जो जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और गुरु तीनों एक साथ बैठे, सूर्य इस कुंडली के सुख भाव के अधिपति होकर के बैठेंगे तो व्यक्ति को अत्यधिक मात्रा में धन इकट्ठा करने वाला बनाएंगे। गुरु एकादशवें और अष्टम भाव के अधिपति होकर के बैठेंगे तो व्यक्ति को चरित्रवान बनाएंगे, और चंद्रमा जब जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति होकर के बैठेंगे तो गुरु सूर्य और चंद्रमा का योग व्यक्ति को अत्यधिक धनी, थोड़ा कठोर, दूसरों के ऊपर अपना प्रभाव डालने वाला, और यही नहीं, चूंकि वहां सूर्य बैठा है और गुरु के संग दोनों परम मित्र बैठे हैं, तो वहां पे व्यक्ति की बुद्धि इतनी विशाल होती है कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। बहुत जल्दी जल्दी ही विचारों में भेद बदलने वाला, विचारों को बदलने वाला होता है, बहुत जल्दी ही कृपण और कठोर हो जाने वाला होता है, तुरंत और हमेशा सदैव, चूंकि अष्टम और लाभ भाव के अधिपति बैठे हैं गुरु, इस वजह से सदैव प्रसन्न रहने वाला होगा। और यहां पे शनि और मंगल में से मंगल का प्रभाव बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वो केंद्र के अधिपति, दोनों भावों के दो केंद्रों के अधिपति एक साथ केंद्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति बहुत अच्छी मात्रा में इकट्ठी होती है। यही नहीं, 12वें भाव के अधिपति के संग चतुर्थ दशम भाव के अधिपति और कुंडली के भाग्येश के साथ युति करने से व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। 12वें भाव के अधिपति, 12वें भाव के अधिपति कौन? मंगल। 12वें भाव के कारक कौन? तो शनि। तो 12वें भाव से जब शनि और मंगल का संबंध बन जाता है और वो भी चतुर्थ भाव में, तो व्यक्ति की निद्रा हमेशा ही भगवान को याद करके सोती है। यही नहीं, इस कुंडली में राहु का प्रभाव लग्न पे उच्च का पड़ रहा है और राहु जन्म कुंडली में त्रिकोण में बैठे हैं, जिसके अधिपति शत्रु के घर में बैठे हैं, जिसके कारण कई बार घर में आर्थिक परेशानी देखने को मिलती है और व्यक्ति के जीवन में आए दिन छोटी मोटी परेशानी और बाधाएं बनी रहती हैं, चाहे घर में परेशानी हो, स्वास्थ्य में परेशानी हो, दवाइयों पे खर्चा हो, घर के बुजुर्गों पे खर्चा हो, आपस में कोई झगड़ा फसाद नहीं है पर फिर भी जो है वो एक तरीके से घर में तनाव का माहौल बना रहता है, वो राहु के कारण है। इसी के कारण कई बार व्यक्ति जब अपने मायके रहता है तो ये सोचता है कि मैं ससुराल में जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, पर वस्तुतः वो भी संभव थोड़ा कम होता है। ये बात है, सारे के सारे ग्रह एक, मतलब कुंडली में एक दो तीन, तीन ही घर में सारे ग्रह बैठे हैं, ये कुंडली की कमजोरी दिखा रही है। और दरअसल लग्न खाली, दशम खाली, नवम खाली, बारहवां खाली, अष्टम, सप्तम, छठा भाव खाली, तो कुंडली के बहुत सारे और अधिक से अधिक भाव अगर खाली होते हैं तो कुंडली को कमजोरी मिलती है। इसके कारण कुंडली के पास बल की कमजोरी नहीं, बल की कमजोरी होने से, बल कमजोर होने से कुंडली का प्राबल्य, जो साहस का है, बल का है, ऊर्जा का है, धैर्य का है, धन का है, पराक्रम का है, शौर्य का है, और ये सब जो है चीजें
वो कमजोर हो जाती है। नवांसा कुंडली में केंद्र में तीन घर खाली, इस कारण से कई बार वैवाहिक पक्ष कमजोर हो, या कई बार अगर कुंडली बहुत अच्छी मिली है तब तो बहुत अच्छी बात होगी, पर यहाँ पे राहु, हालांकि ये जो स्थिति बनी है सूर्य और शुक्र वाली इस कुंडली में, वो बहुत ज्यादा नेचुरली बहुत अच्छी बनी है। यहाँ दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा बन रहा है, यहाँ बुध बहुत बढ़िया बैठे हैं, पति का प्रेम और आपस का कम्युनिकेशन, मतलब ये जो स्थितियां बनी है वो बहुत ज्यादा अच्छी बनी है। पर कमजोरी यहां से आ रही है क्योंकि सप्तम भाव को पाप कर्त्री लगा है, इसके कारण डेली इनकम और डेली रूटीन बाधित होता है और व्यक्ति चाह करके भी अपने नियमों का पालन संपूर्णतया नहीं करता। उसके पास हर पांचवें दिन, सातवें दिन, दसवें दिन पे कोई ना कोई एक ऐसी जिम्मेदारी आ जाती है जिसको उसका लिमिटेड जो रेगुलर काम है वो बाधित रहता है। इसके साथ साथ पति जो है वो बीमार रहे, स्वास्थ्य में कमजोरी रहे, पति के खर्च अधिक हो, ऐसा होता है। पति का कारोबार इस कुंडली में उच्च का है, बहुत अच्छा है। कपड़े से संबंधित अगर व्यक्ति कारोबार करे पति, तो निश्चित रूप से बड़ी बढ़िया रहेगा, इसमें ये संकेत भी मिल रहा है। इनकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, लग्न में मंगल है, इस वजह से आपको जद्दोजहद करवाने में आपकी कुशलता रखेंगे और दरअसल उससे आपको बल भी मिलेगा। बारहवें भाव में नीच के गुरु बैठे हैं जिनका नीच भंग मंगल से होगा। सूर्य और शुक्र आपके लाभ को कंफ्यूज कर रहे हैं। एकादशी का व्रत आरंभ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसके अतिरिक्त सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ, अष्टमी और चतुर्दशी को भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक, और साथ ही साथ शनि राहु का यहाँ पे भी प्रभाव है। इस वजह से अगर जातक व्यापार कम पर अगर घर का खर्च अलग तरीके से चला सकता है, घर की सुरक्षा, घर की देखभाल करे, तो मतलब गृहस्थ संभालने वाली ये कुंडली होगी। यहाँ पे चतुर्थ भाव के अधिपति लाभ में दशम सप्तम भाव के अधिपति के साथ, व्यापार है पर पति का, व्यापार है पर बच्चे का। अगर व्यक्ति व्यापार अपना करना चाहे तो अपने आप को व्यापार से अलग रख के उस व्यापार को बाहर से रेगुलेट करता हुआ आगे रखे, मतलब वो संपूर्णतया व्यापार में ना आए, व्यापार की कुशल क्षेम पूछता रहे, व्यापार की कुशल क्षेम की स्तुति पूछती रहे। और वैसे यहाँ पे बुध पंचम भाव में है, यहाँ भी बुध पंचम भाव में है, और ये कुंडली यहाँ पे दशम भाव के अधिपति ही लग्नेश बने हैं, ये कुंडली व्यापारिक सिद्ध होती है। पर ये मालकिन बन के कुंडली का जो है वो रोल अदा करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं वो आपको कंफ्यूज और धन के आने की गति को कमजोर कर रहे हैं। चंद्रमा आपको मानसिक रूप से बीमार कई बार बना रहे हैं और व्यथा से युक्त रख रहे हैं। शिव जी की पूजा इस कुंडली को आवश्यक होगी। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से शौक से युक्त चीजों को रखना, भूमि हो जाए, भवन हो जाए, वाहन हो जाए, कपड़े हो जाए, बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से सब चीज रखे और बहुत ही व्यवस्थित रखने का आदि होता है। सफाई पसंद इंसान होता है, छोटे छोटे निवाले खाने वाला होता है, अपना काम जल्दी में करने वाला होता है, दूसरों का काम अपना काम जल्दी जल्दी निपटाए, दूसरों का काम थोड़े विलंब से, लेट से, लेट से, ऐसे ऐसे धीरे धीरे होता है। पर वो इस वजह से देर से नहीं करता क्योंकि वो दूसरे का काम है, बल्कि वो इसलिए करता है ताकि उसका काम किसी भी तरीके से कमजोरी से युक्त ना हो, उसमें कोई कमजोरी और गलती ना हो जाए। इस वजह से मतलब वो उसके पास जो बल है वो इस बात का बल है कि मैं किसी का भी कोई काम करूं तो वो खराब ना हो, ऐसा। और इस कुंडली में ये मंगल की बात थी। बुध आपकी कुंडली में तकनीकी जानकार और साझेदारी से काम करने वाला भाग्यशाली बना रहे हैं। इसके साथ साथ आपको धन मेहनत करता हुआ आएगा, धन मेहनत करने के बाद ही आएगा। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, इस वजह से व्यक्ति का एजुकेशन, व्यक्ति का धार्मिक होना, उसका पति और उसके पति का संग निश्चित रूप से इस कुंडली को बहुत ही ज्यादा सुख दे रही है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करेंगे तो वो बहुत बढ़िया बैठे हैं, पर तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है, शुभ ग्रह की राशि का बनना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे हालांकि ठीक है, इस वजह से व्यक्ति से बहुत भारी काम नहीं होगा, जीवन भर व्यक्ति जो है वो मेहनत करता रहता है पर उसका आउटपुट उसको थोड़ा कम मिलता है। तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि नहीं बनी है और शुभ ग्रह बैठे हैं, इस वजह से ये कुंडली इस मामले में थोड़ी कमजोर होगी। हालांकि भाग्य के मामले में ये बात सही होगी, पर बाकी के अन्य क्षेत्र के लिए जो जीवटता होती है उसके मामले में कई बार कमजोरी हो और पराक्रम का संपूर्ण सुख नहीं मिलता, मेहनत खूब करे पर परिणाम थोड़ा कम मिले, ऐसा वाला होता है। शनि जो है वो जन्म कुंडली में अनुभवी बना रहे हैं। इस कुंडली में लग्न जो बना है वो 3 डिग्री का बना है, ये अवस्थागत लग्न कमजोर नहीं है, ठीक है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति होते हैं शनि, सूर्य लग्न के अधिपति, नक्षत्र के अधिपति और नक्षत्र के चरण के अधिपति बन गए शनि।
ये दोनों ही एक दूसरे के परस्पर शत्रु होते हैं और इस कुंडली के लिए भी दो केंद्रों के अधिपति होकर के शुक्र जो है वो लग्नेश है, शनि इस कुंडली का कारक ग्रह है, सूर्य इस कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह सुखेश होते हैं। उनका महत्वपूर्ण होना धन से, धर्म से, पिता से, माता से, चल अचल संपत्ति से, पुत्र से, इन सब चीजों से व्यक्ति को युक्त रखता है। पर सूर्य और शनि की जो दशाएं होती हैं वो जातक के लिए कमजोर जाने वाली हो जाती हैं, क्योंकि परस्पर ये दोनों ग्रह कमजोर होते हैं एक दूसरे के लिए। भाग्य भाव का अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ में है, इस वजह से व्यक्ति अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करता है, पर कई बार बीमारी के संग। एकादशवें भाव में केतु मीन राशि के बैठे हैं, जिसके अधिपति जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी होकर के बैठे हैं और गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठेंगे, कमजोरी नहीं होगी। यश कीर्ति इस कुंडली में थोड़े विलंब से जरूर है, क्योंकि लग्न पे शनि की दृष्टि है और मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पे, मंगल का प्रभाव दशम भाव पे, मंगल का प्रभाव एकादश में। एकादशवां भाव आपकी कुंडली में बहुत जगह से धन कमाने का योग लगा करके बैठा है। आप चाहें तो कॉस्मेटिक चीजों का कारोबार कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में बच्चों से संबंधित जितने भी काम होते हैं, बच्चे का कपड़ा, बच्चों के कपड़े, खिलौने, उनकी दवाइयाँ और बच्चों से संबंधित जितने भी आइटम होते हैं उससे संबंधित आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुरियर सर्विस भी इस कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। इसके साथ साथ फलों का काम भी बहुत अच्छा बनेगा, स्टेशनरी और बुक शॉप का काम भी बहुत अच्छा बनेगा, पब्लिकेशन वगैरह का काम भी इस कुंडली में बहुत अच्छा चलेगा। इसके साथ साथ कागज का काम भी इस कुंडली में बहुत बढ़िया चलेगा। ये इतना सारा काम। एक बात और बता दूं, इस कुंडली का चरित्र बहुत अच्छा है, इस कुंडली की बुद्धि बहुत अच्छी है, इस कुंडली का स्वभाव बहुत अच्छा है, इस कुंडली के लिए 6 अंक बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए शुक्र और बुध का एक साथ बैठना अच्छा उतना नहीं होगा, क्योंकि लग्नेश होने के साथ साथ ये रोगेश होते हैं। हालांकि उनको दोष नहीं लगेगा, पर फिर भी शुक्र कर्क राशि में बैठे हैं और ये राशि कई बार इनको भ्रमित तो नहीं करती पर उतना साहस नहीं जुटा पाती है। चल अचल संपत्ति शनि और मंगल दे रहे हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर व्यक्ति कल को अपना भवन भी खरीदना चाहे तो निसंदेह कर सकता है, उसके योग 2026 के जुलाई से भी आ रहे हैं। एक बात और बता दूं, इस कुंडली के लिए कमजोर दशा जो होगी वो गुरु में मंगल, गुरु में राहु, ये बड़े कष्ट वाले होंगे। गुरु में शुक्र और गुरु में बुध, ये थोड़े बहुत कष्ट वाली दशाएं होंगी। पर इस कुंडली में अच्छी दशा बुध की रहे, शनि की रहे, मंगल की रहे और शुक्र की रहे और सूर्य की रहे। इसके साथ साथ अगर होरा कुंडली की बात करूंगा तो आपकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और शनि की दशाएं मेहनत करवा करके धन देने वाली होंगी। पर इसके अतिरिक्त गुरु, बुध, मंगल, सूर्य, राहु और केतु की दशाएं थोड़ी मेहनत के बाद अच्छा खासा मन शांत रहे और धन भी आता रहे। इस कुंडली में चतुर्थांश अगर देख रहा हूं तो वहां पे चल अचल संपत्ति का योग बहुत अच्छा होगा, लेकिन धन के चोरी होने का योग इस कुंडली में लगा है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली में D4 चार्ट में चतुर्थ भाव के अधिपति का अष्टम में जाना और 12वें भाव के अधिपति का चतुर्थ को देखना और चतुर्थ स्थान में शत्रुग्रही शनि का बैठना कमजोरी का कारण बनता है। सप्तमांशा कुंडली के आधार पर यह कुंडली संतान से युक्त है और संतति का सुख और संतति का करियर दोनों ही ठीक है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में एक बात बता दूं, इस कुंडली में संतति को कभी भी कड़वा बोलने का कोई औचित्य नहीं होगा। ये इतनी सारी बातें। इस कुंडली में भगवान की भक्ति निश्चित रूप से बहुत अच्छी है और ये व्यक्ति मोक्षदायक योग लगा करके बैठा है। ये विशांसा कुंडली की बात कर रहा हूं। जन्म कुंडली में अगर हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और अभी के हिसाब से अगर बन सके तो एक बुद्ध का रत्न पन्ना या पेरिडॉट जरूर ही धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, इस कुंडली के लिए दिशा दक्षिण की बहुत अच्छी रहेगी और पूर्व की बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए अंक सदैव से 6 बहुत अच्छा रहेगा। राशियां कन्या और मकर की बहुत अच्छी रहेंगी। रंग इस कुंडली के लिए हरा और सफेद बहुत अच्छा रहे। इसके साथ साथ काई रंग भी बहुत बढ़िया रहे। इस कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति जो चौथे भाव में बैठे हैं वो सबसे अच्छा योग लगा करके बैठे हैं, जो व्यक्ति को कई तरीके से भरेगा। मंगल 12वें भाव के अधिपति हैं, इस वजह से व्यक्ति ऋण में और परेशानियों से युक्त होता है। पर मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी है, इस वजह से व्यापार ही करना चाहिए। शुक्र और बुध यहाँ पे नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छे बैठे हैं पर भाग्य के लिए अच्छे बैठे हैं, पराक्रम के लिए इनकी कमजोरी है। गुरु, सूर्य और चंद्रमा का यहाँ बैठना, इसका प्रभाव मैंने बताया है, ये बहुत अच्छा है। इस कुंडली के लिए शनि और मंगल का यहाँ बैठना चल अचल संपत्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। नौमांसा कुंडली में राहु का लग्न में बैठना मायावी और पति को थोड़ा बहुत बीमार बनाता है। यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, यहाँ पे शुक्र कर्क के हैं, यहाँ शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं, लग्नेश यहाँ मेहनत करते हुए देखे जा रहे थे, यहाँ पे वो धनदायक
बना तो रहे पर कंफ्यूजन के साथ धन आ रहा है। यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छे हैं, यहाँ चंद्रमा मिथुन के थे, यहाँ तुला के हैं, पर भाग्य भाव में बैठे, इस वजह से धनवान बनाएंगे। लेकिन इस कुंडली में अगर जो व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनी हैं और वो अभी तक अगर जिद में है, हट में है, जद्दोजहद में है, दो कारण से, एक शनि और मंगल का केंद्र में आना और दूसरा क्षण चंद्रमा जातक की कुंडली को परेशान करने के लिए काफी है। यहाँ पे केंद्र के तीन घर खाली, यहाँ पे केंद्र के तीन घर खाली, यहाँ त्रिकोण अष्टम बहुत सारे भाव खाली हैं, यहाँ पे भी ये दो स्थितियां बहुत अच्छी बनी है, ये दोनों और ये दोनों। इस वजह से नवांश बहुत अच्छा है, पति की आयु बहुत अच्छी है, जातिका की आयु भी बहुत अच्छी रहेगी। इनकी वाणी और इनका एजुकेशन जितना बढ़िया है उतना बढ़िया परिणाम नहीं मिला है। दशमांशा कुंडली में चंद्रमा और बुध व्यापारिक ही बना रहे हैं, पर शनि और राहु का व्यापार और शनि और राहु का, इस वजह से व्यापार में कभी कभी कमजोरी भी दिख रही है। इतनी सारी चीजें। नक्षत्र के आधार पर अगर चर्चा करूं तो आपकी कुंडली में नक्षत्र में पुनर्वसु, पुष्य, उत्तराभाद्रपद, रेवती, कृतिका, हस्त, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन शुक्रवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी इतनी बातें। अब एक बात बताता हूं, इस कुंडली में जो ग्रह का बल है उसके आधार पर अधिकांश ग्रह, जिसे जैसे आपको मैं बताऊं, सूर्य जिस डिग्री पे बैठे हैं, मंगल बुध गुरु जिस डिग्री पे बैठे हैं, राहु और केतु जिस डिग्री पे बैठे हैं, ये सारे ग्रह अनुभव से युक्त होने के बाद भी अपना परिणाम कमजोर दे रहे हैं। बाकी इस कुंडली का चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा है। इस कुंडली के गुरु के बाद शुक्र और शनि बालकपन करवा रहे हैं, इस वजह से भी भाग्य और कर्म का सुख थोड़ा कमजोर सा है। हनुमान चालीसा का पाठ, नवग्रह कवच प्रत्येक दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। रात्रि को सोते समय कम से कम रामचरितमानस के एक पेज का पाठ अवश्य करें प्रत्येक दिन। पीपल के वृक्ष को जल अवश्य दें, दीप दान करें और भगवान को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ये कर्क लग्न की नहीं वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन राशि की कुंडली है, शुक्र और बुध दोनों मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। राहु का प्रभाव जन्म कुंडली में अगर आप देखें तो राहु का प्रभाव भाग्य पे, राहु का लाभ पे और राहु का प्रभाव लग्न पे, ये मायावी और कई बार व्यक्ति को बहुत सारी चीजों को करने वाला बनाता है, जिसके कारण भी कई बार परेशानी होती है। गुरु का प्रभाव तुला राशि के लिए शत्रुग्रही, इस वजह से ऋण में व्यक्ति उलझा रहे हैं। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए आयु दे, रिसर्च और व्यक्ति को भक्ति दे, भगवान का चिंतन बना रहे। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए दार्शनिक चिंतन रहता है, वो कारोबार में भी बहुत ज्यादा, अगर पति परेशान भी हो तो उसको साहस देता है, नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, होगा सब होगा, भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है, सब हो जाएगा, आप चिंतित मत होइए। चंद्रमा और सूर्य अष्टम भाव को देख रहे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को मानसिक अवस्थाओं में कमजोरी देखी जाती है। अपने मन को शांत रखें, शुद्ध रखें, सब चीज मिलेगा, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति दे रहे हैं, धन भाव में बैठे हैं, धन के माध्यम से सारी चीजें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इस कुंडली के लिए प्रक्षित होगी, इसकी आवश्यकता है। अब आपको मैं इनकी कुंडली में चलित चक्र पे थोड़ी सी चर्चा करके बता देता हूं। इनकी कुंडली में गुरु, सूर्य और चंद्रमा लग्न कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, लेकिन चलित चक्र में ये दोनों ही ग्रह, तीनों ही ग्रह, गुरु, सूर्य और चंद्रमा, वस्तुतः परिणाम मिथुन राशि का ही देंगे पर तीसरे भाव का देंगे। इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में पराक्रम है, पर 70% ये ग्रह जन्म कुंडली में गुरु, सूर्य और चंद्रमा तृतीय भाव का कर रहे हैं, मतलब मिथुन राशि का प्रभाव तीसरे भाव में जैसा होगा वैसे ही ये ग्रह प्रभाव। तो यहां पे व्यक्ति में मेहनत आए पर व्यक्ति के भाग्य का सुख थोड़ा कम हो जाए, पर व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से कभी भी विपन्न नहीं होता है। एक बात और है कि इनकी कुंडली में शनि, बुध और शुक्र जो हैं, जो यहाँ पे बैठे हैं, शनि, बुध, मंगल और राहु यहाँ आ रहे हैं, और शनि के साथ बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का परिवर्तन लग्न में, लग्न कुंडली में चतुर्थ स्थान पे आ रहा है। अब ये जो अवस्था होगी, यहाँ पे शनि जो है वो सिंह राशि का फल करेंगे, मंगल जो है वो कन्या राशि का फल करेंगे, नहीं, मंगल फल करेंगे सिंह राशि का, पर प्रभाव उनका पंचम भाव से आएगा। तो मंगल और राहु का जब प्रभाव जन्म कुंडली में सिंह राशि का आएगा, इस वजह से भी व्यक्ति के जीवन में कई बार यश कमजोर मिलता है, मेहनत का परिणाम कमजोर मिलता है। और यहाँ पर शुक्र और बुध जो तृतीय भाव में बैठे हैं कर्क राशि में, ये यहां ना बैठ करके इनका परिणाम कर्क राशि का चौथे भाव का आएगा। इस कारण से व्यक्ति में ममत्व और उसकी मानसिक शांति ज्यादा है, ऐसा ये कारण बनता है। कई बार आपकी कुंडली में जो ग्रह जहां बैठे हैं वो शिफ्ट करते हैं और उसके आधार पे आपको बात
पता लगानी होती है कि व्यक्ति के अंदर ममत्व का जो गुण है, उसके अंदर जो एक निश्चलता का भाव है, उसके अंदर जो एक सपाट बुद्धि है जहां पे वो सबको जगह दे देता है और एक खुद को भ्रमित रखे पर सामने वाले को क्लियर करता रहे, कंफ्यूज ना हो, खुद को कष्ट में रख ले, सामने वाले को सुख दे दे। ये शुक्र और बुध और शनि का चतुर्थ भाव का परिणाम है, कर्क राशि का परिणाम है। क्लियर है? ये इनकी कुंडली का चलित चक्र है। बाकी की चीजें तो मैंने बता रखी हैं। अब एक बात और है, ये कुंडली चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित है जिसके कारण जीवन में कई तरीके की समस्याएं बन रही हैं और यही इस कुंडली के कमजोर होने का प्रधान कारण है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।